हाय गाइज, मैं शांत हूँ। आप देख रहे टेक्निकल शांत, और इस वीडियो में आपको टॉप 3 बेस्ट MIUI थीम सजेस्ट करूंगा अक्टूबर 2020 के लिए। तो अगर आप चैनल पर नहीं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अगर आप MIUI 11 या MIUI 12 के लिए थीम सर्च कर रहे हो तो मैं आपको तीन थीम सजेस्ट करने वाला हूँ दोनों के लिए। तो आपको ये देखना चाहिए वीडियो स्टार्ट से एंड तक। तो अगर आप देखिएगा पहला थीम है तो इसमें काफ़ी मिनिमल आइकन पैक देखने को मिल जाएगा, गूगल का फोल्डर, टूल का फोल्डर और होम स्क्रीन में। और अगर आप जाइएगा इसका कंट्रोल सेंटर तो इसमें भी आपको काफ़ी यूनिक टाइप का कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाएगा। सेटिंग में भी आपको काफ़ी कलरफुल आइकन पैक देखने को मिल जाएगा, जितने भी टॉगल्स आपको सभी कलरफुल देखने को मिलेगा, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ ब्लैक फॉन्ट के साथ, जो कि काफ़ी अच्छा एक कॉम्बिनेशन और आपको काफ़ी क्लीन और मिनिमल लुक देने वाला ये थीम। और अगर आप उसके में देखिए तो इसमें आपको MIUI के जगह लोगो के जगह आपको एक्स का लोगो देखने को मिलेगा। और अगर आप जाइएगा बाकी कुछ जैसे कि टॉगल्स, वो भी आपको ब्लू कलर का न्यू टाइप का टॉगल्स देखने को मिल जाएगा। और अगर आप जाइएगा एडिशनल सेटिंग में तो उसमें भी आपको जो सेपरेशन है आपको काफ़ी क्लीन और काफ़ी मिनिमल देखने को मिलने वाला। और अगर आप ओवरऑल लुक देखिए तो काफ़ी क्लीन, और अगर आप उसका डायलर देखिए तो वो भी आपको काफ़ी मिनिमल और स्टॉक एंड्रॉइड जैसा देखने को मिलने वाला है। मैसेजिंग ऐप आपका चेंज नहीं होता इस थीम में। और अगर आप जाइएगा तो इसका रीसेंस में भी आपको न्यू टाइप का लोगो देखने को या टॉगल देखने को मिल जाएगा क्लियर ऑल वाला ऑप्शन की जगह। और अगर आप उसका लॉक स्क्रीन देखें तो मेरे को वन ऑफ द बेस्ट लगा, जिसमें कि आपको मतलब एनालॉग क्लॉक देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है कोई भी फ़ोन में। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसा इसका लुक आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा इस थीम में लॉक स्क्रीन में। तो अगर आप उसको ये सेट करना तो ये आप सेट कर सकते हैं। तो देख लीजिए, जैसे कि इसमें आपको तीन लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो थर्ड वाला आपका एनालॉग क्लॉक है, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। और ट्राई करके आप बताइए आपको कैसा लगा ये थीम। और मतलब और ऐसा थीम्स चाहिए तो यही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको इस चैनल पे देखने को मिलते रहता है। तो अगर आप उसको ये थीम डाउनलोड करना, सिंपली आपको सर्च करना होगा थीम ऐप में जाके प्रोजेक्ट एक्स लाइन UI। जैसे ही आप सर्च कीजिए प्रोजेक्ट एक्स लाइन UI तो ये आपको थीम मिल जाएगा। तो जाइए इसको सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए, अप्लाई कीजिए और फिर आप इंजॉय कीजिए। और कैसा लगा ये आपको वीडियो ये आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। चैनल पर नहीं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी टैप करना ना भूलिएगा। और अगर आप देखिए इसका सेकंड थीम, सेकंड थीम MIUI 11 सपोर्टेड थीम है, जो कि iOS 14 का थीम है। और अगर आप जाइएगा इसका पूरा टूल का फोल्डर या गूगल का फोल्डर या होम स्क्रीन, तो आपको iOS 14 से इंस्पायर्ड पूरा आइकन पैक देखने को मिल जाएगा। इसमें आपका कंट्रोल सेंटर चेंज नहीं होता। अगर आप MIUI 11 यूज़ करो तो आपका चेंज हो जाएगा, बट MIUI 12 में चेंज नहीं होगा ना। इसमें आपको जितना भी मतलब पूरा ओवरऑल UI जो है आप MIUI 11 के लिए, तो इसमें आपको कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर आप उसका देखिएगा लॉक स्क्रीन, तो लॉक स्क्रीन में काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको विजिट देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको वेदर का विजिट देखने को मिल जाएगा। और अगर आप देखें तो ये आपका मतलब एक नया टाइप का कुछ है, जो कि मुझे नहीं पता ये iOS वाला तो नहीं है उसी लिए। और इसमें आपको नया सा एक फोटोज़ का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और अगर आप बहुत ही मतलब स्ट्रगल करके ये ओपन कर लीजिए कंट्रोल सेंटर, तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगा ऊपर स्टेप। और ऊपर मतलब जितना भी कैलेंडर, कंट्रोल सेंटर, सभी कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो इसके लिए आपको सर्च करना होगा थीम ऐप में जाके IP14। जैसे आप सर्च कीजिएगा आईफोन 14 या IP14, तो ये थीम आपको मिल जाएगा। MIUI 11 के लिए ये थीम है, तो ऑब्वियसली आपके लिए मेरे पास पर्सनली MIUI 11 का डिवाइस नहीं है, तो ये थीम आप ऐसे ही मतलब सर्च करके ट्राई कर सकते हैं। और मैं आप ज़्यादा सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ कि मुझे पता नहीं चल रहा है MIUI 11 के लिए। और थर्ड थीम अगर आप देखिए तो ऐसा कुछ काफ़ी मतलब कि क्लीन सा आपको थर्ड थीम आपको देखने को मिलने वाला है। इसमें भी आपको काफ़ी मिनिमल आइकन पैक देखने को मिल जाएगा, गूगल का फोल्डर, होम स्क्रीन और टूल का फोल्डर में विजिट आपको सिंपल से देखने को मिलता है। और अगर आप उसका देखिएगा तो इसमें आपको कंट्रोल सेंटर भी न्यू टाइप का देखने को मिलता है, जितने भी टॉगल्स हैं ये आपको काफ़ी क्लीन और आपका ब्लरी सा इफेक्ट देखने को मिल जाएगा बैकग्राउंड में। और अगर आप जाइएगा सर सेटिंग में, तो सेटिंग में भी आपको सेम UI का जो मतलब टॉगल्स है वो आपको सेम टू सेम देखने को मिलने वाला है, और वाइट बैकग्राउंड के साथ ब्लैक टेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल जो दोनों थीम है काफ़ी सेम है, बट इसका आपको दोनों के लॉक स्क्रीन जो है काफ़ी न्यू देखने को मिलने वाला है। और अगर आप जाइएगा इसका अबाउट फोन में तो वो आपका चेंज नहीं होता ना, ऑल स्पेक्स में जो लुक ओवरऑल वो चेंज होता है ना, इसमें मतलब और भी कुछ सेपरेशन जो है वो भी आपको चेंज ज़्यादातर नहीं होता। बट अगर आपको क्लीन और मिनिमल थीम चाहिए था तो ये आप ट्राई करके देखिए और बताइए कैसा लगा ये थीम आपको। और अगर आप जाइएगा इसका डायलर या मैसेजिंग ऐप, तो दोनों में ही कुछ चेंजेस नहीं है, ऑब्वियसली होना चाहिए था डायलर और मैसेजिंग ऐप में, बट इसमें आपका चेंजेस नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। बट थीम काफ़ी मिनिमल और काफ़ी क्लीन है। और अगर आप जाइए इसका लॉक स्क्रीन में तो वो काफ़ी क्लीन एक UI देखने को मिलेगा। अगर आप लेफ्ट तरफ से स्वाइप कीजिए तो ऐसा वो कुछ न्यू टाइप का व्हाट्सएप, टेलीग्राम और आपको वेदर और म्यूजिक का ऑप्शन आपको टॉगल देखने को मिल जाएगा। और उससे फ्लैश भी ऊपर में आपको फ्लैश का बटन टॉगल देखने को मिलेगा, वो आप ट्राई कर सकते हो। डार्क मोड, लाइट मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। और कैसा लगा ये आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।
और अगर आपको सिंपली ये डाउनलोड करना है तो आपको सर्च करना होगा थीम ऐप, जाके पाइन एप्पल, जैसे आप सर्च कीजिएगा पाइन एप्पल तो ये आपको थीम मिल जाएगा। तो जाइए डाउनलोड कीजिए, अप्लाई कीजिए तीनों थीम, अगर आपको जो भी अच्छा लगा आप कमेंट तो नीचे कर सकते हैं कैसा आपको थीम अच्छा लगता है, ताकि मैं आपको और सजेस्ट कर सकता हूँ। चाहिए कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक चीज़ ना भूलिए, बेल आइकन टैप कीजिए। और आप मतलब 80% जन सब्सक्राइब नहीं करते तो क्या करें, मतलब जाइए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन टैप कीजिए, और कुछ भी कमेंट हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं बोलता कल कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।